ऋषभ पंत टीम इंडिया का एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जो आए दिन हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, कभी खुद से तो कभी लोगों के द्वारा। लेकिन ऋषभ पंत की एक गलती की वजह से उनका क्रिकेटिंग करियर आज दांव पर लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को एकदम शुरुआत से, जो ऋषभ पंत की बर्बादी बयां करती है। तो साल था 2022, एशिया कप से ठीक पहले उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आरपी नाम का जिक्र किया, और उर्वशी के इस बयान को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इस दुनिया में न जाने कितने आरपी हैं। और उर्वशी के इस बयान को सिर्फ व सिर्फ वही आरपी जानता जिसके बारे में उर्वशी ने कहा था, और यह बात यहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डालकर खुद की ही एक स्टोरी बनवा दी, और फिर क्या, उसके बाद कोई पंत को ट्रोल करता तो कोई उर्वशी को भला बुरा बोलता। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच पंत का फॉर्म डगमगा गया। उर्वशी तो कहीं भी नाच कर अपना काम कर लेंगी, लेकिन पंत आपसी उम्मीदें हैं पूरे देश को। हर रोज लाखों लोग दुआएं करते हैं आपके अच्छा खेलने के लिए, और आपके पास भी जवाब देने के लिए सबसे अच्छा जरिया है आपका प्रदर्शन। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत तो शांत हो गए, लेकिन उर्वशी रौतेला को जब जब मौका मिला ऋषभ पंत को ट्रोल किया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई सीरीज के दौरान हर्षा भोगले के द्वारा पूछे गए सवाल से पंत के जवाब ने बवाल मचा दिया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सवाल तो पुराना था, लेकिन जवाब में जमीन आसमान का फर्क था। हर्षा भोगले ने पंत से सवाल किया कि टेस्ट की अपेक्षा आपका प्रदर्शन वाइड बॉल क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं रहा। वहीं भरे मैदान में पूरी दुनिया के सामने ऋषभ पंत ने हर्षा भोगले के सवाल को काट के रख दिया, और काटते हुए ही जवाब दिया कि मेरा रिकॉर्ड वाइड बॉल क्रिकेट में भी उतना खराब नहीं है। जो पूरी दुनिया को पता है कि ऋषभ पंत हाल फिलहाल में वाइड बॉल क्रिकेट में कैसा खेल रहे हैं। लेकिन इस दौरान ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा झल्लाए हुए नजर आए। उसके बाद हर्षा भोगले ने अपना दूसरा सवाल दागा कि यदि आपको मौका मिली तो आप कहां पर बल्लेबाजी करना पसंद करोगे। उसके बाद तुरंत ऋषभ पंत ने जवाब दिया कि मैं T20 में ओपन करना चाहता हूं, लेकिन कोच कप्तान के हिसाब से किस नंबर पर भेजा जाता है मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं पंत के इस जवाब ने सीधा निशाना पूरी टीम मैनेजमेंट पर दाग दिया कि मैं T20 में ओपन करना चाहता हूं, लेकिन कप्तान कोच की वजह से मुझे जहां मौका मिलेगा वहां पर अपना बेस्ट देना चाहूंगा। लेकिन पंत को धोनी कोहली रोहित से सीखना चाहिए कि कभी कभी कम बोलना या हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कोहली धोनी रोहित को भी पूरे देश ने क्या कुछ नहीं कहा। क्योंकि अभी हाल ही में कोहली को भी पूरे देश ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन कोहली ने सब कुछ चुपचाप सुना और अपने बल्ले से जवाब दिया, और पंत को अब बांग्लादेश सीरीज से बाहर कर दिया गया है, और अभी तक इसका कोई भी रीजन सामने निकलकर नहीं आया है। और उसके बाद भी ऋषभ पंत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी फोटो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी बिहाइंड द सीन आप कुछ भी करो, लेकिन मैदान पर आपको अच्छा करना होगा, और जल्द से जल्द अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी वजह से न जाने कितने टैलेंटेड खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।